हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने लिए हैं 300 ग्राम गाजर, जिसको मैंने बारीक से कस लिया है। मैंने कढ़ाई गरम चढ़ा दी है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ये देसी घी। इसको थोड़ा गरम होने देते हैं। घी गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी इलायची। इलायची डालने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। अब मैं डाल दूंगी गाजर। अब हम मिक्सी चलाते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। लगभग 6-7 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से सेक लेंगे इसको। फिर इसमें हम दूध ऐड करेंगे। अब ये अच्छे से सिक चुका है, तो मैं अब इसमें मिल्क ऐड कर देती हूँ। ये मैंने 1.5 गिलास मिल्क लिया है। और हम इसको अच्छी तरह से अब सिकने देते हैं। अभी ये सीज गया अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मावा। ये मैंने थोड़ा सा मावा लिया, इसको डाल देती हूँ। आपके पास अगर हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी के साथ मैं ये डाल देती हूँ काजू, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़े में काटा है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, जो कि मैंने 1 कटोरी ली है शक्कर। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें कम ज्यादा डाल सकते हैं। और शुगर जब तक मेल्ट होती है तब तक इसको फिर से सेकेंगे हम। और आपको लगता है कि इसमें अगर थोड़ा सा कलर देना चाहिए तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, ताकि गाजर का हलवा कलर भी अच्छा दिखे इसमें। अब ये अच्छे से कुक हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि ये बन चुका है। इसको मैंने सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब मैं इसकी गार्निश कर देती हूँ थोड़े से काजू के साथ, थोड़ी सी इलायची पाउडर और ये बारीक कटे हुए थोड़े बादाम या पिस्ता के साथ।